हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा सेठ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करण देओल की इस हफ्ते रिलीज हुई मूवी पल पल दिल के पास के 7 दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म की रिव्यू और क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई है या सुपरहिट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखते रहिए। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था खुद सनी देओल ने और इसके प्रोड्यूसर थे धर्मेंद्र पाजी। इस फिल्म का बजट था 28 करोड़ का। फिल्म की कहानी एक ऐसे वीडियो ब्लॉगर शहर शेट्टी की है जो एक पर्वतारोही करण सहगल के साथ निकलती है, जो ऊंची नीची वादियों और खतरों से भी पहाड़ियों की सैर कराता है। इस ट्रिप के दौरान दोनों में प्यार हो जाता है और इसके बाद फिल्म पारिवारिक ड्रामा के साथ आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हुई थी 20 सितंबर को और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आज 7 दिन कंप्लीट कर ली है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी धीमी हुई है, लेकिन इसके अच्छे रिव्यू के चलते, लोगों ने जो रिव्यू दिए हैं उसके चलते इसका कलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। आज ये फिल्म ने 7 दिन कंप्लीट कर लिए है। 7वें दिन भी उसका कलेक्शन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 7वें दिन के कलेक्शन के बारे में बात करें तो इंडिया में ये ग्रोस कर रही है 1,50,00,000 रुपए और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कर रही है 2 करोड़ रुपए। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी भी काफ़ी अच्छी चलेगी। कल से फिर से वीकेंड में इसे बड़ा जंप मिलेगा। इसकी एक ही वजह है कि इस हफ्ते कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। इसका सीधा सीधा फायदा पल पल दिल के पास फिल्म को मिलेगा। इस फिल्म में आपको हिमाचल प्रदेश के कुछ बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिन पर आपकी नज़रें ठहर जाती है। और इस फिल्म का म्यूज़िक बेहद ही शानदार बना है, और जो भी सनी देओल के फ़ैन हैं वो तो ये फिल्म पक्का देखने को जाएंगे। और अगर आप सनी देओल के फ़ैन नहीं हैं तो भी ये फिल्म ज़रूर देखने जाए, क्योंकि ये फिल्म इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है और लोगों ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। ये इस साल की बेस्ट मूवी है और सुपरहिट मूवी है। तो आइए दोस्तों, आप देखते हैं इस फिल्म का टोटल कलेक्शन। तो इंडिया में ये ग्रोस कर रही है 20,30,00,000 रुपए और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कर रही है 25,50,00,000 रुपए। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फिल्म इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू।